हेलो स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे मेरा नाम है किरण भावर आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर से कवर करेंगे प्रमुख ऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें वीडियो को पूरा ध्यान से देखकर जरूर जाइएगा पिछले दस सालों में जितने भी प्रमुख ऑपरेशन चलाए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय सेना के द्वारा सबसे जुड़े हुए क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे हमने यहाँ पर थर्टी क्वेश्चन कवर करवाए हैं सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन है तुर्की में भारतीय सेना के द्वारा भूकंप पीड़ितों के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था तुर्की में भूकंप आया था सावन पॉइंट फोर तीव्रता के आसपास वैसे बहुत सारे भूकंप आए हैं आफ्टर शॉक भी बहुत सारे आए हैं जिसमें चालीस हजार से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई है एनडीआरएफ की टीम वहां पर गई थी बचाव और राहत कार्य के लिए तो कौन सा ऑपरेशन के तहत गई थी इस ऑपरेशन का एक नाम रखा गया है जिसका नाम है ऑपरेशन दोस्त याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था इसके लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था ऑपरेशन गंगा चलाया गया था यूक्रेन और रूस के बीच में जब युद्ध शुरू हुआ था उस समय वहां पर बहुत सारे भारतीय नागरिक फंसे हुए थे बहुत सारे स्टूडेंट्स फंसे हुए थे जो वहाँ पर पढ़ाई के लिए गए थे तो उनको बचाने के लिए भारत वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा उसका नाम रखा गया ऑपरेशन गंगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था तस्करों से तस्करों से बचाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन आहट आंसर डी सही होगा ऑपरेशन आहट रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए ऑपरेशन आहट चलाया गया था नेक्स्ट है भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान के ट्रैकिंग हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया सामान किसी का सामान है किसी की अमानत है तो इसके लिए ऑपरेशन चलाया गया होगा ऑपरेशन मिशन अमानत ठीक है सामान अमानत होती है किसी की तो इस तरह से आप कोई ट्रिक बनाकर इनको रिलेट करके भी आराम से याद कर सकते हैं भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान के ट्रैकिंग हेतु तो ऑपरेशन मिशन अमानत चलाया गया नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा सी ने ड्रग नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए इस पर कड़ी नजर रखनी होगी बिल्कुल गरुड़ के जैसे नजर रखनी होगी तो इसके लिए ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ चलाया नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा सीबीआई ने चाइल्ड प्रोनोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया इसके लिए चलाया है ऑपरेशन मेघ चक्र इस चक्र को खत्म करने के लिए ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया गया है सीबीआई के द्वारा चाइल्ड प्रोनोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था यह चलाया गया था ऑपरेशन ऑपरेशन नार्कोस, नार्कोस चलाया गया था जैसे नशीले पदार्थों में निकोटीन होता है तो इसी तरह से इसका नाम भी रखा है ऑपरेशन नार्कोस रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन नार्कोस चलाया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय तटरक्षक द्वारा ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चला गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सन 2022 के एग्जाम में पूछा गया था इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वाला ऑपरेशन ओलिविया ऑपरेशन ओलिविया ओलिव्य रिडले कछुओं की एक प्रजाति है जो विलुप्त होने वाली है और इसे तट पर मिलती है ओडिशा के तट पर ही मिलते हैं ये कछुए इसलिए यहाँ पर भारतीय तटरक्षक द्वारा ओडिशा के ओलिव रिडले रिडले कछुओं को बचाने के लिए ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया नाम भी ऐसा ही रखा है इसका ऑपरेशन ओलिविया रखा है जो इसी कछे की प्रजाति के नाम के ऊपर है नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है इसमें आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वाला ऑपरेशन सतर्क ऑपरेशन सतर्क चलाया गया है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क चलाया गया नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था तालिबान ने कब्जा कर लिया था अफगानिस्तान के ऊपर और अपनी सरकार लेकर आए थे तो वहाँ पर बहुत सारे नागरिक फंसे हुए थे दूसरे दूसरे देशों के तो बहुत सारे देशों के द्वारा वहाँ पर ऑपरेशन चलाए गए थे भारत के द्वारा जो चलाया गया था उसका नाम रखा है ऑपरेशन देवी शक्ति नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकट कालाबाजारी पर अंकुश लगाने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था इसके लिए ऑपरेशन चलाया था ऑपरेशन उपलब्ध ऑपरेशन उपलब्ध जैसे ऑप आ... कालाबाजारी के तहत तो, टिकट उपलब्ध कराई जाती है उसको बंद करने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध चलाया गया था रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकट कालाबाजारी पर अंकुश लगाने हेतु ऑपरेशन उपलब्ध चलाया गया नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय के द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए कौन सा अभियान चलाया गया यहाँ पर चलाया गया ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम सामाजिक न्याय और अधिकारिकता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग करने के लिए ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम चलाया गया नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया राजस्थान की सीमा पर जहां पर घना कुहासा है जहां पर ठीक से दिखता नहीं वहां पर घुसपैठ की घटनाएं बहुत ज्यादा होती है दूसरे देश वाले यहाँ पर हमारे देश में घुसपैठ करते हैं और आतंक मचाते हैं तो इसको रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है यहाँ पर ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया है ऑपरेशन सर्द हवा सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया ऑपरेशन सर्द हवा नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती एवं आपूर्ति को समाप्त करने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया इसके लिए चलाया गया ऑपरेशन परिवर्तन परिवर्तन लाने की जरूरत है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा भांग की खेती एवं आपूर्ति को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन चलाया गया नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र द्वारा टमाटर प्याज तथा आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाली 22 और कृषि उत्पादकों को शामिल करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया ये सारी सब्जियां हैं ग्रीन वेजिटेबल्स तो इसके लिए ऑपरेशन ग्रीन चलाया गया ठीक है ऑपरेशन ग्रीन चलाया गया है ग्रीन वेजिटेबल्स के लिए जो जल्दी नष्ट हो जाती हैं केंद्र सरकार के द्वारा टमाटर प्याज आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाली ऐसी बाईस और बा हैं और कृषि उत्पादकों को भी इसमें शामिल किया गया किस ऑपरेशन के तहत ऑपरेशन ग्रीन के तहत नेक्स्ट है नौसेना द्वारा कोविड नाइनटीन के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया इसके लिए चलाया गया है ऑपरेशन समुद्र सेतु क्योंकि यह समुद्र में है और वहां तक जाने के लिए समुद्र सेतु इस तरह से एक नाम रखा गया है इस ऑपरेशन का नौसेना द्वारा कोविड नाइन्टीन के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया नेक्स्ट क्वेश्चन है नौसेना के द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया नौसेना के द्वारा चलाया गया है तो कोई समुद्र जैसा ही चलाया गया होगा ऑपरेशन ऐसे कुछ नाम रखा होगा तो इसका नाम है ऑपरेशन समुद्र सेतु द्रुतीय दूसरा है याद रखिएगा जो पहला वाला था अभी हमने पढ़ा ऑपरेशन समुद्र सेतु यह नौसेना द्वारा कोविड 19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया लेकिन जो समुद्र सेतु द्रुती है यह नौसेना के द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट हेतु ऑपरेशन चलाया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड 19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया खुद को अगर कोविड 19 संक्रमण से मुक्त रखना है तो सबसे बेस्ट तरीका क्या था नमस्ते करना तो उसका नाम रखा गया ऑपरेशन नमस्ते हैंडशेक नहीं करना है नमस्ते करना है भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड नाइन्टीन के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए ऑपरेशन नमस्ते चलाया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था यह चलाया गया था ऑपरेशन वंदे मातरम ऑपरेशन वंदे मातरम विदेश मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया नेक्स्ट क्वेश्चन विदेश मंत्रालय के द्वारा कोविड 19 से निपटने के लिए मालदीव मेडागास्कर सेसेल्स और कोमोरोस को खाद्य आपूर्ति हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया उनकी हेल्प के लिए चलाया गया था ऑपरेशन मिशन सागर याद रखिएगा कोविड कोविड नाइन्टीन के दौरान विदेश मंत्रालय के द्वारा इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए मालदीव मेडागास्कर सेसल्स और कोमोरोस को खाद्य आपूर्ति के लिए ऑपरेशन मिशन सागर चलाया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना के द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया ऑपरेशन कौन सा है खाड़ी में चलाया गया था ऑपरेशन संकल्प ऑपरेशन संकल्प चलाया गया था भारतीय नौसेना के द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया ऑपरेशन है ऑपरेशन संकल्प नेक्स्ट क्वेश्चन है कोचिन एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑपरेशन ऑपरेशन प्रवाह। प्रवाह। एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा एयरपोर्ट को बाढ़ से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन प्रवाह चलाया गया था नेक्स्ट है बीएसएफ द्वारा पंजाब एवं जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था इसके लिए चलाया गया था ऑपरेशन सुदर्शन ऑपरेशन सुदर्शन चलाया गया था बीएसएफ के द्वारा चलाया गया है पंजाब एवं जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसरों एवं रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक लगाने हेतु तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है इसके लिए चलाया गया ऑपरेशन थ्रस्ट ऑपरेशन थ्रस्ट चलाया गया है रेलवे सुरक्षा बलों के द्वारा परिसर और रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों जो, जो बॉटल होती है उनकी बिक्री पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन थ्रस्ट चलाया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप और सुनामी से प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है इंडोनेशिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है वह है ऑपरेशन समुद्र मैत्री याद रखिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री समुद्र हमारे समुद्री दूरी पर एक मित्र है इंडोनेशिया नाम का इसी तरह से आप इसको याद कर सकते हैं तो इसके लिए चलाया गया था समुद्र मैत्री समुद्र का मित्र है हमारा इंडोनेशिया भूकंप और सुनामी आई थी वहाँ पर वहाँ के प्रभावित इलाकों में इंडोनेशिया की मदद करने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था ऑपरेशन समुद्र मैत्री नेक्स्ट है भारतीय सशस्त्र बल द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला की तरह एंटी कोविड नाइन्टीन प्रयासों में सहायता करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया इसके लिए चलाया गया ऑपरेशन को जेट भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा ऑपरेशन याद रखेगा ऑपरेशन कोजेट। ऑक्सीजन आपूर्ति श्रंखला की तरह एंटी 19 प्रयासों में सहायता करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया है ऑपरेशन कोजेट। नेक्स्ट है रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने हेतु तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है इसमें दो ऑपरेशन है एक ऑपरेशन उपलब्ध भी है और एक और है उसका नाम है ऑपरेशन थंडर याद रखिएगा ऑपरेशन थंडर दो तरह के ऑपरेशन चले थे ऑपरेशन थंडर और ऑपरेशन उपलब्ध रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने हेतु आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स है पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी राशिद को पकड़ने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था इसको पकड़ने के लिए ऑपरेशन 25, 25. 25 चलाया गया था ऑपरेशन 25 पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी राशिद को पकड़ने के लिए ऑपरेशन 25 चलाया गया नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 2008 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा मुंबई के ताज होटल में आतंकवादियों का पता लगाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था इसके लिए चलाया गया था ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नाडो ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो चलाया गया था 2008 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा मुंबई के ताज होटल में आतंकवादियों का पता लगाने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना ने किस देश में मानवीय सहायता और आपदा राहत उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन वनीला शुरू किया था शुरू किया गया था मेडागास्कर में कहाँ पर मेडागास्कर में शुरू किया गया था भारतीय नौसेना ने किस देश में मेडागास्कर देश में मानवीय सहायता और आपदा राहत उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन वनीला शुरू किया था चलिए लास्ट में क्वेश्चन आप सभी लोगों से मैंने पूछा है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कमेंट करके जरूर बताइएगा भारत के सात पड़ोसी देश कौन कौन से हैं इसमें से ऐसे कौन से सात देश हैं जो भारत के पड़ोसी हैं कमेंट करके जरूर बताइए चलिए आज के वीडियो में इतना ही वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है नॉलेजेबल लगी है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना बेल नोटिफिकेशन आइकन पर ऑल प्रेस जरूर कर देना जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा नोटिफिकेशन तभी जाएगा जब आप वीडियो को जो ही चैनल है हमारा उसको सब्सक्राइब करने के बाद ऑल प्रेस करेंगे तभी जाएगा नोटिफिकेशन इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना थैंक यू